स्टूडेंट्स, वो जो हम टेंथ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टेंथ स्टडी कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो स्टडी किया था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्किमिडीज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करने के तीन कंसेप्ट हैं, जिनमें से पहला कंसेप्ट है जिसका नाम है आर्किमिडीज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो बेटा, जो आर्किमिडीज कंसेप्ट है, इट इज द फर्स्ट कंसेप्ट विच एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या आर्किमिडीज कंसेप्ट जो है ये वो पहला कंसेप्ट है जिसने एसिड एंड बेस की केमिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। किस बेस पे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेस ऑफ देयर आयोनाइजेशन इन वाटर। कि एसिड एंड बेस की वाटर के अंदर आयोनाइजेशन की बेस पे इसने एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पायनियर की। पायनियर मीन डिस्कवरर या कोई भी केमिस्ट या साइंटिस्ट जो किसी थ्योरी या लॉ को प्रेजेंट करता है, उसको उस थ्योरी या उस लॉ का पायनियर कहते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज कंसेप्ट के जो पायनियर हैं उनका नाम भी आर्किमिडीज है, यानी आर्किमिडीज ही जो है वो इस कंसेप्ट के पायनियर है। तो दिस कंसेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय स्वीडिश केमिस्ट आर्किमिडीज इन 1887 में आर्किमिडीज ने इस लॉ को, इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आर्किमिडीज एसिड्स की कि व्हाट आर आर्किमिडीज एसिड्स। बेटा, आर्किमिडीज एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन When dissolving water, कि वो compounds जो produce करते हैं, क्या produce करते हैं? Hydrogen ion. ऐसे compounds जो hydrogen ion produce करते हैं when dissolving water, यानी कि जब उनको water में dissolve किया जाता है तो वो hydrogen ion produce करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एसिड्स क्या है? दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब ये है कि एसिड के लिए वाटर का होना जरूरी है, यानी एक्वस मीडियम का होना जरूरी है। और आर्किमिडीज कंसेप्ट के मुताबिक एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए एक्वस मीडियम का होना जरूरी है, इसलिए वो कहता है कि दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब चूंकि ये वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये क्या है? आर्किमिडीज एसिड है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। इट मींस कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये भी आर्किमिडीज एसिड है, बिकॉज कि ये वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी तीसरी एग्जांपल है मेरे बच्चों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो आर्किमिडीज कंसेप्ट के मुताबिक नाइट्रिक एसिड भी क्या है? ये आर्किमिडीज एसिड है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आर्किमिडीज एसिड, कि जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट है आरहीनियस बेसिस। आरहीनियस बेसिस क्या है? दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वो कंपाउंड्स जो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? वो आरहीनियस बेसिस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल प्रोड्यूस सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो चूंकि वाटर में ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ये क्या है? ये आरहीनियस बेस है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो ये बच्चों तीनों एग्जाम्पल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रही हैं। इसलिए आरहीनियस कंसेप्ट के मुताबिक ये क्या है? ये बेसिस हैं। तो बच्चों थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूं आरहीनियस एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें और आरहीनियस बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें। इट मींस के आरहीनियस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वाटर का होना जरूरी है यानी एक्वस मीडियम का होना जरूरी है क्योंकि ये एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करता है। कब एक्सप्लेन करता है एसिड एंड बेस को? व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर यानी जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब ये एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है बच्चों जी, तो हम बात करते हैं बच्चों लिमिटेशन ऑफ आरहीनियस कंसेप्ट। क्या आरहीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है? जैसे पहले भी मैंने बात की थी कि आरहीनियस एसिड जो है ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है यानी ये एसिड और बेस को तब एक्सप्लेन करेगा जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन इसकी बच्चों ये है कि आरहीनियस कंसेप्ट अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है और ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होगी इसकी पहली लिमिटेशन। अब सेकंड लिमिटेशन बच्चों ये है कि आरहीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरहीनियस एसिड आरहीनियस कंसेप्ट एसिड मस्ट कंटेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। इट मींस कि आरहीनियस कंसेप्ट के लिए एसिड्स का आयनाइजेबल हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एसिड के लिए आयनाइजेबल हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो बहुत से बच्चों ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता तो आरहीनियस कंसेप्ट उनको एज एसिड की एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आरहीनियस कंसेप्ट एसिड मस्ट कंटेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम।
तो देयर आर मेनी कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता। इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अरहेनियस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन देम एज अ एसिड्स, ठीक है। तो अरहेनियस कंसेप्ट इनको एज एसिड एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज इनके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं है। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि अरहेनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेसिस के पास आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है। बेसिस के लिए आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप जो है उसका होना जरूरी है। और बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, तो अरहेनियस कंसेप्ट उनको एज अ बेस की एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो अरहेनियस कंसेप्ट इनको एज अ बेस की एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो ये है इसकी तीन लिमिटेशंस। पहली ये है कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी ये है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। तो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जैसे CO2, SO2 वगैरह हैं, तो अरहेनियस कंसेप्ट इनको एज एसिड की एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तीसरी बात कि अरहेनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस के पास, बेस के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते, तो अरहेनियस कंसेप्ट इनको एज अ बेस की एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे हमारे पास अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इनके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, अरहेनियस कंसेप्ट और इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।